अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की धर्मशाला इकाई के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय और प्रदेश स्तरीय मांगों को लेकर महाविद्यालय धर्मशाला में धरना प्रदर्शन किया। एबीवीपी की इकाई अध्यक्ष मालिनी ठाकुर ने कहा कि एबीवीपी लंबे समय से छात्रों की मांगों को लेकर संघर्षरत है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जल्द महाविद्यालय में रिक्त पड़े शिक्षक और गैर शिक्षकों के पदों को भरा जाए, साथ ही यूजी के रीअपीयर के परीक्षा परिणामों को घोषित किया जाए। उन्होंने मांग की कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार किया जाए। मालिनी ठाकुर ने सरकार से जल्द छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की भी मांग की है। जी, जैसे आपने पहले कहा कि हमने पहले जो है काफ़ी प्रशासन से जो है मांगे की थी कि हमारे जो वाटर कूलर वगैरह की जो फैसिलिटी है वो ठीक है। उन्होंने वाटर कूलर तो प्रोवाइड किया लेकिन वो कुछ ही टाइम के लिए ठीक हुआ, बाद में जो है उसका सेम वही है कि पानी आता लेकिन वो भी फिल्टर किया हुआ नहीं, जिसके कारण जो है हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे छात्र हैं कॉलेज के वो भी बीमार हो सकते हैं। मतलब काफ़ी चीज़ें ठीक हुई लेकिन उस तरीके से वो ठीक नहीं हुई, कुछ टेम्परेरी अमाउंट के लिए ही वो ठीक की गई। हमारे ये प्रदेश स्तरीय मांगे हैं कुछ, जैसे जो जो गैर शिक्षक और शिक्षक स्थान जो है वो रिक्त खाली पड़े हुए हैं, उनको जल्द से जल्द जो मतलब भरा जाए। जो रिपेयर जिनका जो रिजल्ट है जो अभी तक नहीं घोषित किया गया, उन परिणामों को जो है जल्द से जल्द घोषित किया जाए। और जो छात्र संघ चुनाव है उनको फटाफट जो है मतलब छात्र संघ चुनावों को जो है वो बहाल किया जाए और जो उत्तर मूल्यांकन पुस्तिका है उसमें भी सुधार किया जाए। इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम इस ज्यादा उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे, हम भूख हड़ताल के ऊपर बैठेंगे।